चलो आज तो ठंडियों के सीजन वाले मोमोज बना के तैयार करते हैं। ठंडियों में तो गर्मा गर्म मोमोज मिल जाए ना तो भाई मजा आ जाता है, और थोड़ा सा जल्दी बन जाए तो क्या ही कहना। मोमोज बनाने के लिए ना इतनी टेंशन होती है, खाने का जितना मन होता उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। तो पहले तो मैंने 7-8 हरी मिर्च, 7-8 कलियाँ लहसुन की और थोड़ा सा अदरक ग्राइंड कर लिया हल्का सा पानी डाल के। उसके बाद भर भर के सब्जियाँ काटी मैंने बारीक बारीक, कुछ ग्रेड वगैरह नहीं की मैंने, सिर्फ गाजर को ग्रेड किया। यहाँ मैंने 2 शिमला मिर्च, 2 प्याज, 2 गाजर, पत्ता गोभी ली थी थोड़ी ज़्यादा, मटर आधा कटोरी ले ली थी और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, हरी मिर्च लहसुन अदरक का, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था। अच्छे से मिक्स कर लेना था। क्या हुआ कि जिसमें पैन में डाला मैंने वो ज़्यादा हो गई सब्जियाँ, खैर नमक डाल दिया था तो कम हो गई थी क्योंकि पानी छोड़ दिया था सब्जियों ने। फिर हमने अच्छे से सोक कर लिया पानी को, थोड़ा सा हाई फ्लेम करके बढ़िया सा पका लिया है। फिर ऊपर से काली मिर्च का 1 चम्मच पाउडर डाल दिया था। आपके पास अगर सोया सॉस हो तो वो ज़रूर डाल देना, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। अच्छे से सभी को मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद आपको ये पानी बिल्कुल से सुखा लेना है, और जितनी अच्छी सब्जियाँ डालोगे ना, मतलब जितनी ज़्यादा बारीक काट के उतना अच्छा ये मतलब बन के तैयार होता है इसका स्टफिंग। और इस तरीके से हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी जैसे ही पानी हमारा सूख जाएगा और बिल्कुल सूखा सूखा सा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा था देखने में, लग रहा था ऐसे ही सूखा खा लो। तब तक मैंने आटा गूंथ लिया था, 1 कटोरी मैदा ली थी, थोड़ा सा क्या है कम पड़ रही थी मैदा, स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो थोड़ा सा आटा भी मैंने मिक्स कर दिया था और नमक और ऑयल डाल के बढ़िया सा गूंथ के तैयार कर लिया था। फिर आप अपने पसंद के मोमोज बना लो, मुझे उतने अच्छे से बनाने नहीं आते हैं लेकिन मैं ट्राई करती रहती हूँ। वैसे काफ़ी दिन बाद मैंने बनाए हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मोमोज की रेसिपी, वैसे मैं बना चुकी हूँ लेकिन उतने परफेक्ट मुझसे शेप देते नहीं बनता है, लेकिन हाँ ट्राई कर लेती हूँ। ट्रायंगल जो शेप रहता ना वो थोड़ी ईजी रहता, लेकिन मैंने यही बनाया, लेकिन और भी जो बनाया ना वो थोड़े अच्छे बन गए थे। और बस फिर गंजी के ऊपर हमने छन्नी रख दी थी और उसमें स्टीम कर लिया था 7-8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम करके, ऊपर से ढक्कन से ढक दिया था और जुगाड़ करके उसको निकाल लिया था ढक्कन को। बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे, फिर लाइट चली गई थी इसलिए मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाई, बाकी बने बहुत टेस्टी थे। ट्राई करना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।